मैंने पहले अपनी बातों को स्पष्ट किया, लेकिन मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो लगातार धमकी और गाली का प्रयोग कर रहे हैं। आलोक मेहता की धमनी में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून दौड़ रहा है और हमारे पूर्वज सम्राट अशोक अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे। चूल हिला के रख दूंगा वैसे लोग, मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने 10% वाला बयान दिया था, जिसके बाद लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद उन्होंने FIR भी दर्ज कराया है। ऐसे में कल वो गया पहुंचे थे, जहां उन्होंने कड़े लफ्जों में चेतावनी देते हुए उन लोगों को कहा है कि चूल हिलाकर रख देंगे। उन्हें पता नहीं है कि उनकी रगों में किसका खून दौड़ता है। पहले आप आलोक मेहता को सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है और तरह तरह के सोशल मीडिया पर तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने पहले अपनी बातों को स्पष्ट किया, लेकिन मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो लगातार धमकी और गाली का प्रयोग कर रहे हैं। आलोक मेहता की धमनी में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून दौड़ रहा है और हमारे पूर्वज सम्राट अशोक अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे। चूल हिला के रख दूंगा वैसे लोग, मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अपनी औकात में रहे, बिहार की 90% जनता यदि जग गई तो उनके सारे इरादे जो हैं धराशायी हो जाएंगे। तो मैं इस आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मैं गया के साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आकर और पटना में जगदेव बाबू के विचारों के प्रति अपना समर्पण और सॉलिडरिटी दिखाने के लिए जरूर आवे और विचारों में अपनी आस्था राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य कारणों से नहीं आने की वजह से वो मतलब माननीय तेजस्वी प्रसाद जी उसका उद्घाटन। तो आपने मंत्री आलोक मेहता को सुना, जिन्होंने कहा है कि मेरे रगों में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून दौड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य का खून दौड़ता है और अशोक सम्राट का खून दौड़ता है, उन्हें देख लेंगे। और बता दें कि कल देर शाम गया में बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता गया परिषद पहुंचकर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है। आलोक मेहता ने लोगों को चेतावनी दिया है और कहा है कि हमारी रगों में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून दौड़ रहा है। हमारे पूर्वज अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, वैसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 10% को लेकर जो बयान दिया था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे, उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 90% जनता जाग जाए तो उनको पूरी तरीके से देख लेगी। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।